वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के बारे में। लाइव में क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लाया हूँ, उसमें हम समझेंगे कहाँ पर ड्यू डेट आती है, क्या टोटल अमाउंट ड्यू है, क्या मिनिमम अमाउंट ड्यू है, क्या स्टेटमेंट डेट है, क्या क्या मैंने इस क्रेडिट कार्ड पर ट्रांजेक्शन किए थे, पिछला बिल कितना है और क्या रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर मुझे मिले हैं इन ट्रांजेक्शनों पर। फुल डिटेल के साथ मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। है मेरे बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपको आपका नाम और मिलिंग एड्रेस दिखाई देगा, किस स्टेट से हैं वो दिखाई देगा। अगर आपका GST नंबर इस क्रेडिट कार्ड पर लगा हुआ है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका कार्ड नंबर दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर सेंसन क्रेडिट लिमिट, आपको क्रेडिट कार्ड पर कितनी लिमिट मिली है वो दिखाई देगी। यहाँ पर देखेंगे तो पेमेंट ड्यू डेट दिया हुआ है, जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है वो ड्यू डेट है यहाँ पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में आपको अगर अच्छे से जानना है तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर मिनिमम अमाउंट ड्यू के बारे में आप जान सकते हैं। टोटल अमाउंट ड्यू वह होता है जो कि आपने पूरे महीने में जो एक्सपेंसेस किए हैं वो जुड़कर एक जगह आए हैं, वो टोटल अमाउंट ड्यू होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है, तो जैसे 35,000 रुपये मेरी क्रेडिट लिमिट है, ठीक है। उपलब्ध क्रेडिट लिमिट कितनी है, मतलब अवेलेबल कितनी है, कितना खर्चा किया, उसके बाद जो माइनस होके बचती है वो अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है कि मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया था इसलिए यहाँ पर पूरी की पूरी क्रेडिट लिमिट मुझे मिली है। कैश लिमिट आपकी कितनी है, जो आप ATM से विड्रॉल कर सकते हैं वो लिमिट कितनी है, और कैश अवेलेबल लिमिट कितनी है, आप जो अगर आपने जितना अगर कैश निकाला होगा तो इसमें से माइनस हो जाएगी वो कैश लिमिट, आपको यहाँ पर अवेलेबल कैश लिमिट दिख जाएगी। अब अकाउंट समरी देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जो पिछले महीने आपने अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में टोटल अमाउंट ड्यू बना था वो ओपनिंग बैलेंस हो गया, और आपने उस पर पेमेंट कितना करा है वो यहाँ पर पेमेंट और क्रेडिट में दिख जाता है, ठीक है। अब आपने न्यू परचेजिंग कितनी करी है, मतलब आपने इस महीने क्या खर्चा किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, जो आपको अभी पेमेंट करना है तो वो टोटल अमाउंट ड्यू ही इसको बोलते हैं, जो आपको कितना पेमेंट करना है, मतलब मुझे अभी कोई पेमेंट नहीं करना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका पेमेंट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन पे ID है जिसके माध्यम से आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सकते हैं। आप बात करें तो यहाँ पर बोनस और रिवार्ड पॉइंट समरी की बात करी गई है। प्रारंभिक बैलेंस, मतलब पिछले महीने में आपके कितने रिवार्ड पॉइंट थे और इस महीने आपने कितने अर्न किए, तो इस पिछले महीने 225 रिवार्ड पॉइंट मेरे क्रेडिट कार्ड पर थे, इस महीने मैंने 2 रिवार्ड पॉइंट अर्न किए, तो मिलाकर 227 रिवार्ड पॉइंट टोटल हो गए। इनको आप रिडीम नहीं करा सकते जब तक 500 नहीं होंगे। इसके बाद अगर आप समझे तो यहाँ पर आपकी डेट दी हुई है, जो ट्रांजैक्शन आपने अपने क्रेडिट कार्ड से किया था वो डेट दी हुई है, ठीक है। उसकी ट्रांजैक्शन ID यहाँ पर दी हुई है, किस मर्चेंट पे आपने ट्रांजैक्शन किया था, यहाँ पर आपको कितने रिवार्ड पॉइंट मिले इन ट्रांजैक्शनों पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया था, क्रेडिट हुआ है या डेबिट हुआ है वो दिखाई देगा। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन किया है, मतलब खर्चा किया है, तो वो DR दिखाई देगा। अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड पर कुछ पेमेंट किया है तो वो CR दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। इसमें मेन बात समझने की है कि स्टेटमेंट डेट क्या होती है, तो स्टेटमेंट डेट आपकी यहाँ पर दी हुई है 1/12/2023। हमेशा ध्यान रखना, स्टेटमेंट डेट के बाद जो टाइम मिलता है वो 15 से 20 दिन का टाइम मिलता है, वो ड्यू डेट कहलाती है, जिस दिन आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ तो ड्यू डेट की, तो 20/12/2022 इसकी ड्यू डेट है, मतलब टोटल मिलाकर आपको 20 दिन का टाइम दिया है कि 20 दिन तक आपको ये पेमेंट कर देना है किसी भी हालत में, जो भी अमाउंट टोटल अमाउंट ड्यू का, ठीक है। तो स्टेटमेंट डेट ये ड्यू डेट यहाँ पर आएगी, क्रेडिट लिमिट आपकी क्या है, अवेलेबल क्रेडिट लिमिट कितनी है, इसके बाद आपको पेमेंट टोटल अमाउंट ड्यू का यहाँ पर कितना करना है, यहाँ पर दोनों अमाउंट सेम आएंगे, और क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन किए हैं उन सबको आप मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझे बताएं और मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दूंगा। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए।